देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ये रणनीति रही है कि जिन जिन राज्यों में चुनाव होते हैं उन राज्यों में संगठन के प्रभारी भी सह प्रभारी भी लगाते हैं और चुनाव के प्रभारी और सह प्रभारी भी लगाते हैं। जो एग्जिस्टिंग संगठन की रचना होती है उसमें हम सहयोग करने के लिए आते हैं, जैसे बूथ मजबूत बने, पन्ना प्रमुख सब बने कि नहीं बने, पार्टी के जो नामित एडवोकेट हैं या कोऑपरेटिव सेक्टर के लोग हैं या हमारे पार्षद हैं सभासद हैं उनकी कोई प्रॉब्लम है तो उनको भी हल करें और पार्टी को मजबूती दें। वातावरण निर्माण की प्रक्रिया में हर ज़िले में हमारा जाना हो रहा है, इसी सिलसिले में मैं आज अलीगढ़ आया हूं और पार्टी मजबूत है, पार्टी एकजुट है और हमें लगता है कि जिस तरह से डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस मोदी जी ने जो नीतियाँ बनाई उसके तहत योगी जी ने दिया उत्तर प्रदेश में, उसके तहत हम निश्चित रूप से 2022 में पुनः रिपीट करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। ऐसा ही काम करने के लिए हम क्षेत्रीय अध्यक्ष जी के साथ आज यहाँ आए हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ रहे तो महंगाई बढ़ रही, देखिए कई बार हमारी निर्मला सीतारमण जी ने भी कहा इस विषय पे कि ये अंतर्राष्ट्रीय इशू है, लेकिन फिर भी बॉन्ड जो कांग्रेस के ज़माने में जारी हुए थे उसकी भरपाई का समय अब आ रहा है, उसमें ब्याज चुकाना पड़ रहा है, इसलिए आपको कुछ समय ऐसा लग रहा है लेकिन जल्दी ही इसका समाधान भी होगा। सर, किसान आंदोलन का असर इस विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? देखिए, किसान आंदोलन के लिए जैसे प्रधानमंत्री जी ने कई बार कहा, हमारे कृषि मंत्री जी ने भी कई बार कहा कि हम वार्ता के लिए तैयार हैं, आपके मुद्दे क्या हैं आप हमें बताइए, कानून तो संसद ही बनाएगी ना, और ये डिमांड लंबे समय से थी। भानु प्रताप कमेटी कब बनी थी, तब से ये डिमांड थी। ले, हम किसानों से वार्ता के लिए तैयार हैं, किसान अगर कोई सुझाव देते हैं तो हम वार्ता के लिए तैयार हैं, सरकार संवेदनशील है, सरकार का कोई रुख जो है वो आइडियल नहीं है। बारे में जो भी उनको बात करनी है, एक प्लेटफॉर्म प्रधानमंत्री जी ने तय कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।